हेलो दोस्तों, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड इस वक्त LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है। आपके लिए मोहम्मद रिजवान और कैप्टन बाबर आजम की अनोखी जो बैटिंग प्रैक्टिस थी नेट्स के अंदर, एक बॉल बाबर खेलते थे और एक बॉल रिजवान खेलते थे, वो कंपटीशन आपको दिखाते हैं। बड़ा दिलचस्प कंपटीशन है। पहले बाबर आजम की बैटिंग हाइलाइट्स देखिए। शाहीन शाह आफरीदी और हसन अली और दीगर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर बाबर आजम को प्रैक्टिस करवा रहे हैं नेट्स के अंदर। इसके बाद बाबर और रिजवान बड़ी दिलचस्प ट्रेनिंग करते हैं और बैटिंग प्रैक्टिस उनकी देखने के लायक होती है। स्पिनर्स का बड़ी देर तक मुकाबला करते हैं दोनों और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में दोनों की जो है वो यहाँ बैटिंग देखने में नज़र आई। बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी तो खेले पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड लाहौर के LCCA ग्राउंड में अपनी बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस में मसरूफ। हसन अली पाकिस्तानी टीम के स्टार फास्ट बॉलर, कप्तान बाबर आजम और दीगर बैट्समैनों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ये बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कप्तान, शाहीन शाह आफरीदी रिजवान को गेंद करेंगे। ओह अच्छा बॉल और शाहीन करेंगे आउट हो गया है। शाहीन करेंगे जी एज निकला है और आउट हो गया है। बड़ी दिलचस्प ट्रेनिंग की है। अब ये देखिए उस्मान कादिर, ये सबसे दिलचस्प सेशन था बाबर का और रिजवान का, जिसमें स्पिनर्स को एक एक बॉल खेलते रहे। एक बॉल एक ने फेस की, दूसरा बॉल दूसरे ने फेस की। उस्मान कादिर रिजवान को गेंद करने के लिए, अच्छा बॉल रिजवान ने अच्छे अंदाज में खेला। अब फिर बाबर खेलेंगे बड़े यूनिक अंदाज में। खुश दिल शाह, खूबसूरत शॉट बाबर का। बाबर स्पिनर्स को बहुत अच्छे अंदाज में और टिपिकल स्टाइल में जो खेलते हैं, बड़ा मज़ा आता है। स्पेशली उनको देखते खेल, जब वो खेल रहे होते हैं देखने का बड़ा मज़ा आता है। उस्मान अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया बाबर ने, गेंद को अपनी मर्ज़ी से खेले। रिजवान अब सामना करेंगे इमाद वसीम का। ओहो अच्छा बॉल रिजवान ने तेज स्वीप करना चाहा। पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स की बैटिंग प्रैक्टिस की हाइलाइट्स आपको दिखा रहे हैं। रिजवान इस वक्त स्पिनर्स के साथ बाबर आजम के साथ मिलके मुकाबला कर रहे हैं। रिजवान क्रीज से बाहर निकले और अच्छा शॉट खेला रिजवान ने। पाकिस्तान टीम अपनी भरपूर ट्रेनिंग कर रही है वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ। पहला मैच पाकिस्तान का 24 अक्टूबर को है और उस मैच से पहले ये जो आपको तैयारियां दिखाई दे रही हैं, ये कोई मामूली तैयारियां नहीं हैं। ये बड़ी बड़ी हिकमत अमली के साथ तैयारियां की जा रही हैं। बाबर आजम एक मरतबा फिर सामना करेंगे। शादाब खान है। ओ शॉट बाबर का, खूबसूरत शॉट। शादाब देख रहे हैं और बाबर ने स्माइल दिया उनको, खूबसूरत अंदाज में उसको हिट किया। शादाब ने कुछ बात भी की। खुश दिल शाह रिजर्व प्लेयर हैं वर्ल्ड कप के और अच्छा बॉल था। बाबर ने गेंद को टाइमली रीड नहीं किया, लेकिन इमाद वसीम कैप्टन बाबर को पीछे हटे। तीन गेंदें खेलने के बाद अब रिजवान आएंगे, रिजवान खेलेंगे। सो बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस यहाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स ने की, कप्तान बाबर ने, उनके साथ रिजवान ने, और बड़ा मज़ा आया इनकी बैटिंग प्रैक्टिस देखने का, इनके हाइलाइट्स देखने का। ओहो गुड, वेल डन रिजवान, वेल डन। अनोखा शॉट अनोखे अंदाज में आपने चेक किया रिजवान को कैसे खेला। सो ये इस तरह की ट्रेनिंग हो रही है बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, प्रैक्टिसेस जारी हैं। बाबर पीछे हटे, बाहर निकले, इमाद ने अच्छा बॉल किया। पाकिस्तान टीम शादाब खान कैप्टन को तेज बॉल किया,
शायद आप कह रहे हैं कि गेंद यहाँ पे फील्ड हो गया, आपको स्कोर नहीं मिला। अच्छा कंपटीशन, खुश दिलशाह रिजवान को अच्छा बॉल पड़ा। इजाफी का विकेट थोड़ा सा तेज, एलसीसी का विकेट थोड़ा सा तेज़ लग रहा है मुझे। इम्माद स्क्लैन मुश्ताक हेड कोच पीछे मौजूद हैं। खूबसूरत शॉट गैप पे खेले चार रन के लिए ये, लेकिन ये नेट के अंदर चार रन मिले हैं। बड़ा टेम्परामेंट चाहिए होता है टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को T20 में कन्वर्ट होना। रिजवान ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, बट T20 के अंदर भी उसने अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा दिया है जो कि एक ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को। बाबर का खूबसूरत शॉट, तेज़ शॉट निकल के खेले। आइसोलेशन बबल बायोसिकर बबल प्रोटोकॉल सख्त है। Thank you.